Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. This session is for class 11th, and in class 11 we are learning animal tissue. In animal tissue we have started connective tissue, and I taught you about the loose connective tissue, then dense connective tissue. Then we have started the skeleton tissue. ठीक है, skeleton भी एक connective tissue है, उसमें दो part होते हैं, cartilage और bone. ठीक है, तो हम लोगों ने कार्टिलेज प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था. मैंने आपको कार्टिलेज बता दिया. कार्टिलेज फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है. अगर हम बोन को देखें तो बोन ज़्यादा स्टिफ होता है, हॉलो होता है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो हॉलो नहीं होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है. जितने भी पार्ट्स हमारे बॉडी में हैं जिसको हम बहुत मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें दिखा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम. कल मैंने आपको बताया था ना कि फाइब्रो कार्टिलेज, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो चेन की तरह होती है. जैसे आपने देखा होगा, चेन देखा होगा, ठीक है, लोहे की चेन देखी होगी, कड़ी की तरह होती है ना ऐसे. उसके बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं, दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज. तो फाइब्रो कार्टिलेज उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. आप देख सकते हो, एक तो स्टूडिनेस प्रोवाइड तो कराते हैं, मतलब स्टिफ तो होते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं. आप देख सकते हो, हम अपनी बैकबोन को बेंड कर सकते हैं. बहुत सारे योगा आपने देखे होंगे जिसमें बैकबोन को बहुत ज़्यादा अपनी बेंड कर सकते हैं. तो वो क्यों बेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है. तो सोचो, अगर फाइब्रो कार्टिलेज ना होता तो हम एक स्टिक की तरह होते, स्टिक की तरह ऐसे गिर जाते, ऐसे उड़ जाते, एकदम स्टिफ रहते. समझ में आ गई बात. तो कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, जो दो बोन्स के बीच में भी होता है. बोन्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, अभी आप बोन में पढ़ोगे, वो भी कार्टिलेज से ही कवर होता है. हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कवर करके रखता है. ठीक है, जो फ्रिक्शन से भी बचाता है, जॉइंट्स में मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, तो इस तरह से कार्टिलेज समझ में आ गया होगा. कॉन्ड्रोसाइट्स होते थे, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बोन. आप लोगों को तो इतना तो पता ही होगा कि बोन जो है वो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. मोस्टली स्टूडेंट्स को बोन में प्रॉब्लम हुई होगी. बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको हो सकता है कभी फ्रैक्चर हुआ हो. तो आपने सोचा होगा कि बोन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर एक माइनर भी फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उस पार्ट को मूव नहीं कर सकते, सीवियर पेन होता है. ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इसका मतलब है बोन में नर्व भी होती हैं, बोन में ब्लड वेसल्स भी होती हैं. आपने सुना होगा कि बोन में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बोन में बोन मैरो होता है. जितने लोग नॉनवेज खाते होंगे वो जानते होंगे, कि मैं तो नहीं खाता लेकिन मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो उसमें एक मैरो होता है. मैरो मतलब जहाँ पे एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये सब टिश्यूज होते हैं, और उन पे एक सेल्स और होती हैं जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं. ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बोन में प्रेजेंट होती हैं. तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में. देखो, बोन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन. मैंने आपको बता रखा ना, अगर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो चाहे बोन हो चाहे जो भी हो, उसका मैट्रिक्स जरूर होगा. तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है. इसीलिए बोन जो है वो हार्ड होते हैं, हॉलो होते हैं. कॉल्ड ओसिन, कौन सी प्रोटीन, कौन सा केमिकल होता है, ओसिन, अलोंग विद कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर तो होंगे, लेकिन उसके साथ एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जिसका नाम क्या है, ओसिन. इसीलिए आपने सुना होगा बोन को, जैसे आपने ओस्टियोकाइट्स, तो ओसिन की वजह से उसको ऐसा बुलाते हैं. ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन इज हाइड्रेटेड कैल्शियम फॉस्फेट. आपको आपने सुना होगा कि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन फॉस्फेट की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो मेन जो हाइड्रेटेड उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट. बोन आल्सो कंटेन सम कार्बोनेट, उसमें कार्बोनेट भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स भी होते हैं. तो इस तरह से अदर न्यूट्रिएंट भी बोन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. द प्रोटीन जो कोलेजन होती है, जो होती है, आपको पता है कोलेजन फाइबर तो प्रेजेंट होते हैं, तो कोलेजन एक क्या है, प्रोटीन है. और याद रखना, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन. 33% बोन का वो ऑक्यूपाई करती है. मतलब अगर हम पूरे बोन में देखें तो जो प्रोटीन है, कोलेजन है, वो 33% ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बोन का इंट्रोडक्शन. अब देखो, जब आपने सुना होगा कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो जो बोन होती है वो भी फ्रेजाइल और वीक होने लगती है. ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग एजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है. जो बोन में जो प्रोटीन ओसिन प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, मेकिंग इट मोर ब्रिटल, और वो जल्दी से टूटने लगती है. इसलिए जो ओल्ड एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है, उनकी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ब्रेक भी हो सकती है, ब्रिटल. ठीक है, बोन्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाई अ डेंस
फाइब्रस शीथ दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम. याद रखना पेरियोस्टियम जो है किसकी कवरिंग होती है, दैट इज बोन की. और जैसे आपने कार्टिलेज में पढ़ा था पेरिकॉन्ड्रियम, वहाँ पेरिकॉन्ड्रियम पढ़ा था और यहाँ पे क्या पढ़ा है वो पेरियोस्टियम. तो पेरियोस्टियम किसकी कवरिंग होती है, बोन की कवरिंग होती है. ठीक, अगर हम देखो एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखें अगर बोन का, तो बोन में कई सारी सेल्स होती हैं. ठीक है, याद रखना कहीं किसी भी सेल के लास्ट में अगर ब्लास्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है वही जो है जितनी भी सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब वो स्टेम सेल्स हैं. जैसे एरिथ्रोब्लास्ट आपने पढ़ा है, आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स. ऐसे ही तो एरिथ्रोब्लास्ट जो होती है वही एरिथ्रोसाइट बनाती है. तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, ऑस्टियोसाइट्स हैं, एक है ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट के ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स. इसका मतलब यही मैट्रिक्स बनाती है. इसमें एक सेल होती है जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स, मेंटेन बोन टिश्यू, यही बोन टिश्यू को मेंटेन रखती है. ऑस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल्स होती हैं, यही जो है ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं. समझ में आई बात, ठीक है. और लास्ट एक सेल होती है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब, मतलब जो बोन्स होती हैं उसको रीजॉर्ब कर लेते हैं. मतलब जैसे बोन्स के सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर है. तो इस तरह से चार सेल्स होती हैं बोन में, कौन कौन सी, ऑस्टियोसाइट्स होती है जो बोन टिश्यू को मेंटेन रखती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है जो बोन मैट्रिक्स को बनाती है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स होती हैं जो स्टेम सेल्स होती हैं यही बोन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं रीअब्सॉर्ब करती हैं. रीजॉर्ब्स का मतलब हो गया कि जैसे बोन्स की जो सेल्स हैं जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उनको अपने में क्या कर लेती हैं, इंक्लूड कर लेती हैं. इसका किसका फंक्शन है, ऑस्टियोक्लास्ट का. इन सब का मैंने देखो सबका फंक्शन लगा दिया है. यहाँ पे बोन सेल टाइप्स, फोर प्रिंसिपल टाइप्स होती हैं. पहला ऑस्टियोजेनिक सेल्स, स्टेम सेल्स होती हैं, याद रखना स्टेम सेल्स मतलब यही सेल्स बोन के सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे. हमारे बॉडी में किसी भी सेल्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो कोई ना कोई स्टेम सेल्स जरूर होती है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि बोन की स्टेम सेल्स कौन सी होती है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है, विच कैन ट्रांसफॉर्म इंटू ऑस्टियोक्लास्ट. वो किसमें चेंज हो सकती है, ऑस्टियोक्लास्ट में चेंज हो सकती है. ऑस्टियोक्लास्ट बोन सरफेस कहाँ पे होती है, बोन सरफेस पे होती है. सेक्रीट बोन मिनरल एंड कोलेजन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेक्रीट करती है बोन मिनरल और कोलेजन को. ऑस्टियोसाइट्स क्या करती है, आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, यही बोन बनाती है. इन द कैविटीज कॉल्ड लैकुना, ठीक है, आपको मैंने लैकुना प्रीवियस कार्टिलेज में भी बताया था कि लैकुना एक स्पेस होता है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही बोन में भी लैकुना होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, एक ब्लास्ट होगा एक क्लास्ट होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है. ये वाला जो है, ठीक है, वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ये जो है ये ऑस्टियोक्लास्ट है और ये ब्लास्ट है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग गलत हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है. ऑस्टियोक्लास्ट का अभी रोल मैंने बताया कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, देख लो, आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, पहला तो ये मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं. फैगोसाइटिक, मैंने अभी बताया ना कि अगर फैगोसाइटिक मतलब निगल लेना, जो बोन की सेल्स होती हैं उनको डिसॉल्व करने लगता है, ठीक है. रीअब्सॉर्ब एक्सेस बोन मटेरियल, अगर मान लो बोन में फॉस्फेट ज़्यादा हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, मतलब तो उसको क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है. इसको क्या बुलाते हैं, क्लास्ट. और ये क्या है, ब्लास्ट. तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन और मिनरल को बनाती है, ठीक है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, उसको डिसॉल्व करती है. तो इस तरह से आप कभी भी ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास्ट में डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है. तो चार सेल्स हो गई बोन की, कौन कौन सी हो गई, ऑस्टियोजेनिक जो स्टेम सेल्स होती हैं यही बोन को, बोन के सेल्स को बनाती हैं. ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो मिनरल और कोलेजन फाइबर को बनाती है. ऑस्टियोसाइट्स यही बोन की सेल्स होती हैं, मेन सेल्स यही होती है जो लैकुना में प्रेजेंट होती है. और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो एक्सेस मटेरियल को क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, मतलब फैगोसाइटिक नेचर की होती है, ठीक है. तो इस तरह से डिसॉल्यूशन में हेल्प करती है. नेक्स्ट आ जाओ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने आपकी बुक से थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाया है, ठीक है. आपकी बुक में तो बोन के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो भी लेक्चर मैं यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपकी बुक से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी. आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा कहीं, अगर आपके यहाँ डॉगी होंगे तो डॉगीज़ को अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तब भी अगर आप डॉगीज़ को ये बोन ला के दे देते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है. तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है बोन का. इससे आपको बोन की मॉर्फोलॉजी पता लग जाएगी कि बोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है. देखो जैसे अगर मैं शाफ्ट की बात करूं, शाफ्ट मैं तुम्हें समझा दूं पहले शाफ्ट क्या होता है, ठीक है. एक पेन, अगर आपके पास भी पेन रखी है तो पेन ले लीजिए, ठीक है, सॉरी
ठीक है। देखो अगर ये पार्ट ले लिया आपने तो इसको जान लो यहाँ पे आपने पकड़ा तो ये जान लो शाफ्ट है, ये इसका क्या है शाफ्ट है, ठीक ये शाफ्ट है और ये क्या है इसका एंड पार्ट है। तो अटिपिकल बोन कोई भी होगी तो कंप्राइजेज अ शाफ्ट, इसको बोलते हैं डाइफाइसिस, समझ में आया, इसको क्या बुलाते हैं डाइफाइसिस, बीच में होती है। एंड एंड्स, जो एंड्स होती है इसको क्या बुलाते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। तो डाइफाइसिस मतलब शाफ्ट मतलब बीच में और एपिफाइसिस मतलब ऊपर एंड होती है। अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मैंने आपको बताया था ना अभी कि हाइलिन कार्टिलेज की एक थिन लेयर होती है, वो किसके ऊपर होती है एपिफाइसिस के ऊपर होती है। तो एपिफाइसिस को कौन कवर कर लेता है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज एपिफाइसिस को कवर कर लेता है। शाफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन, अगर कोई भी लॉन्ग बोन है तो उसकी जो शाफ्ट है उसको कॉम्पैक्ट बोन बुलाते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको क्या बुलाते हैं कॉम्पैक्ट बोन बुलाते हैं। एपिफाइसिस आर स्पॉन्जी, लेकिन जो एपिफाइसिस होता है वो क्या होता है स्पॉन्जी होता है, डाइफाइसिस कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो एपिफाइसिस होता है वो स्पॉन्जी होता है, इसका मतलब जो एंड पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है। सेंट्रल मैरो कैविटी, इसकी जो सेंट्रल मैरो कैविटी होती है उसको येलो मैरो बुलाते हैं, ठीक है, इन द शाफ्ट, वो कहाँ प्रेजेंट होती है शाफ्ट में प्रेजेंट होती है। और रेड मोरो मैरो जो होती है वो एंड में प्रेजेंट होती है, याद रखना, समझ में, मतलब एपिफाइसिस के बीच में जो कैविटी होगी वो रेड बोन मैरो है और शाफ्ट के बीच में मतलब डाइफाइसिस के बीच में जो कैविटी है उसको क्या बुलाते हैं दैट इज रेड बोन मैरो। तो दो मैरो होती है, एक येलो मैरो और एक रेड मैरो। तो रेड मैरो कहाँ होती है एंड पे होती है, समझ में आया, रेड सिग्नल मतलब खतरे का मतलब एंड पे, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। बोन मैरो इज कम्पोज ऑफ, जो बोन मैरो होती है उसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एरियोलर होते हैं, सब आपने पढ़ रखा है, ब्लड वेसल्स होती हैं एंड हीमोपोएटिक सेल्स। हीमोपोएटिक मतलब ऐसी सेल्स जो क्या बनाएंगी, जो ब्लड सेल्स बनाएंगी उनको बोलते हैं हीमोपोएटिक सेल्स। तो आपने सुना होगा कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ चलता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं ब्लड सेल्स, समझ में आया। तो इस तरह से बोन की मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई, फिर से देख लो, कोई भी पेन पड़ी हो तो उसको पकड़ के ऐसे पकड़ लो, जहाँ पे आपने पकड़ा है उसको बुलाते हैं शाफ्ट, उसके बाद जो एंड दिख रहा है तो एंड को क्या बुलाते हैं एपिफाइसिस, शाफ्ट को क्या बुलाते हैं डाइफाइसिस। जो शाफ्ट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, जो एंड पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है, जो स्पॉन्जी वाला पार्ट है उसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, समझ में, और जो स्पॉन्जी बोन होती है उसी में रेड बोन मैरो होती है, जो डाइफाइसिस होता है उसमें येलो मैरो होती है, ठीक है। अभी मैं येलो मैरो और रेड बोन मैरो का फंक्शन आपको समझा दूंगा, ये समझ में आ गया कि बोन की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप देखो कॉम्पैक्ट बोन, मैंने एक एक पार्ट को लगा रखा है, कॉम्पैक्ट बोन में अगर देखो तो कॉम्पैक्ट बोन ऑफ द मैमेलियन इज कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ हैवरेसियन, हैवरेसियन, ठीक है, ऐसे याद करो, हैवरेसियन, हैव से रसियन, हैवरेसियन सिस्टम, उसके बीच में एक सिस्टम होता है हर्वेसियन, हैवरेसियन सिस्टम होता है, ऑस्टियोन्स जिसको बुलाते हैं, याद रखना, ठीक है। जो हैवरेसियन सिस्टम होता है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं, उसको उस पूरे सिस्टम को बुलाते हैं हैवरेसियन सिस्टम। हैवरेसियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कैनाल, उसमें एक बीच में एक कैनाल होती है जिसमें लिम्फ होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और मैंने आपको बताया ना अभी कॉन्सेंट्रिक ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे सर्कल होता है तो आपने कॉन्सेंट्रिक रिंग पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, जैसे एक सर्कल है तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़ा होगा, इन्हीं को बुलाते हैं हम लोग क्या लैमेला, ठीक है, ये जो ये होते हैं इनको बुलाते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेला, और पूरे सिस्टम को क्या बुलाते हैं हैवरेसियन सिस्टम। तो बिटवीन दीज देर आर लैकुना, और बीच में क्या होगा लैकुना होगा, अगर मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो बीच का पार्ट होगा वो लैकुना होगा, उसी में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हैवरेसियन सिस्टम एक सिस्टम है पूरा बोन में, ऐसे उसमें कॉन्सेंट्रिक ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं लैमेला जिसको बुलाते हैं, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन में जो कैनाल होती है उसमें ब्लड होता है, लिम्फ होता है, नर्व होता है, ठीक है, और जो पूरी ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग है उसके सबसे बीच में कौन सी क्या स्पेस होता है जिसको बुलाते हैं लैकुना, ठीक है, और इसी लैकुना में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कैंसेलस बोन, स्पंजी, ये जो एपिफाइसिस है ना, आप बताओ कॉम्पैक्ट बोन को क्या बुलाते हैं डाइफाइसिस, जो शाफ्ट था,
ठीक है। ईपीफाइसिस को क्या बुलाते हैं? स्पंजी। इसी को कैंसेलस बोन भी बुलाते हैं, लुक्स स्पंजी। हेवरेसियन कैनाल्स आर मच लार्जर देन इन कॉम्पैक्ट बोन, याद रखना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैंसेलियस में बात करें तो जो हेवरेसियन सिस्टम है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। देर आर फ्यू लैमिला, यहाँ पे फ्यू लैमिला होती हैं, गिविंग अ हनीकॉम, ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं जैसे हनीकॉम की तरह, ठीक है। इसको फिर से समझ लो, कैंसेलस बोन्स क्या होती हैं, मतलब स्पंजी, अभी मैंने आपको ईपीफाइसिस बताया था ना एंड वाला, ठीक है, वही क्या होती हैं, कैंसेलस बोन्स होती हैं, स्पंजी हो दिखती हैं, स्पंजी होती हैं। हर हाइवरेसियन कैनाल्स आर मच लार्जर देन इन कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, किसमें ज़्यादा होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन में। देर आर फ्यूअर लैमिला, लेकिन यहाँ पे लैमिला क्या होती है, बहुत कम होती है, और कैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे लगता है हनीकॉम। रेड बोन मैरो इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कैंसेलस बोन, और येलो मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कॉम्पैक्ट बोन में। समझ में आया? तो इस तरह से दो पार्ट समझ में आ गए, चलो क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बोन के बारे में आगे जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन प्लीज़ रिवाइज द कार्टिलेज एंड द बोन एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।